जिला अस्पताल सहित जनपद में गुरुवार को कुल 336 केंद्रों पर कोविड रोधी वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें महिला पुरुष जिला अस्पताल सहित सीएससी पीएससी पर 35,601 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि फर्स्ट डोज 7,976 लोगों को तथा सेकेंड डोज 27,625 लोगों को कोविड रोधी वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, तथा लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करें और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें, ताकि शासनादेश द्वारा जो लक्ष्य मिला है उसे दिसंबर के माह तक पूरा किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, दवा के रखना है। मैं चेकिंग तो हो रहे थे मास्क से, वैक्सीनेशन देखिए एक सतत प्रोसेस है। वैक्सीनेशन जैसे कि ओमिक्रॉन बात की जा रही है, ओमिक्रॉन से अगर बचाव चाहते हैं तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का हमें 100% पालन करना होगा। और उसी कड़ी में हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और जनरल जो है लोगों से आग्रह भी करते हैं कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, ज़रूरत पड़ने पर सैनिटाइज करते रहें और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें। वैक्सीनेशन में हमारा प्रथम खुराक जो है वो 70.5 हो चुका है और द्वितीय खुराक हमारा जो है 38.5% हो चुका है। इसको अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार से हमें लक्ष्य मिला है कि दिसंबर के माह में हम प्रथम खुराक से सबको। सर कितने केंद्रों पर हो रहा है वैक्सीनेशन आज? आज हमारे यहाँ लगभग 300 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा है।